नमस्कार साथियों, दोबारा आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम खेत में आ चुके हैं, हमारी बोनी स्टार्ट हो चुकी है। खेत में इधर पर रोटावेटर चल रहा है और इधर बोनी हो रही। बाजू वाले खेत में भैया का मसूर के लिए पलेवा हो रहा है। कमेंट करके बताओ कि आपके कहाँ किस विधि से पीसी बोई जाती है, पोर लगा के बिना पोर के। इतना खेत रोटावेटर हो गया, ये जॉन डीयर चल रहा है 50-50D 4WD। ये अच्छी रोड बनाई उसने, देखो। ये पूरा 9 एकड़ का प्लाट है, आज इसमें बोनी से हम फ्री हो जाएंगे। अभी इधर चल रहा है, अभी पूरा खेत रखा है। धूल देखो आप कितनी बेहतरीन उड़ा रहा। अपन लोग उस तरफ निकल जाते, नहीं तो धूल अपन ही को पूर देगा। अभी डेगल इतने हैं और देख रहे हैं एक ही फ्रेम में दोनों ट्रैक्टर अपने। अच्छी रोड बना रहा है, देख सकते हो आप जी। हल्के ट्रैक्टर बोने के लिए सबसे सही माने जाते हैं। ये चल रहा है बाजू में महिंद्रा 265 Ti सरपंच ओल्ड मॉडल। साथियों देख सकते हो ये सीडर पूरी खाली हो चुकी है, जरा सी रह गई है। लंबा फेरे में, दो फेरे में पूरी सीडर खाली हो जाती है। सीडर रुक चुकी है, बस अब भाई आ रहा है बोरी लेके, सीधा भरेंगे सीडर को और फिर से कंटिन्यू करेंगे। इतनी परे आप तो आ रही, एक बोरा में 1 एकड़ हो जाएगी है ना। एक बोरा कहाँ है पूरी में? अब जख मिला के एक बोरा नहीं है, अब कहाँ जा धारी बोरा, तब हुआ एक बोरा। आप सही कर रही फिर है ना। कितनी भर गई अभी? एक बोरी ले आई यार, हाँ एक बोरी वाले। इतनी भर गई एक बोरी में, पूरी भर जाए। अभी सीडल चेक कर ली हम, सीडल भर गई पूरी। अब भाई जोरा ये तक आ जाएगा ट्रैक्टर है ना। हमें अपन यूट्यूब पर डाल आराम से लो मामा। हाँ
ये जॉन डियर चल रहा है अपना, अच्छी रोड बना रहा है जॉन डियर, बेहतरीन। एक अपना नलकूप ये है, एक नीचे, दोनों दोनों तरफ से लगा देंगे तो जल्दी पीसी निकल आएगी। चार चार घंटा एक शिफ्ट लगाना है। चौथे गियर पे चल रहा है, तीसरे पे, क्या शानदार है भाई। ये दोनों ट्रैक्टर पर अब दूसरी बोला मिला ना का भैया। ये चल रहा है हमारा जॉन डियर, ये मिल रही गेहूँ मिल रही है इधर पर, जो एस पी ऊपर डी ए पी डाला, जो भैया गेहूँ मिला रहा। एक एकड़ करीब बोनी हो गई है, अभी शाम हो जाएगी लेकिन पूरा बोते बोते, क्योंकि इसके अंग रोटावेटर चल रहा है, ये इतना स्पीड में चलता नहीं है। मतलब अच्छी रोड बनाना है, आराम आराम से इसलिए चलवा रहा है इसको। थर्ड गियर पे लगा लो के थर्ड पे, और ये थर्ड पे थर्ड के हाई पे, ये बाजू वाले का चल रहा है ट्रैक्टर, हमारे पड़ोसी जो है जॉन डियर 50-50D। बहुत धूल आ रही इधर, आप इस खेत में इधर पे फर्क देखो, इधर पे इधर फर्क देखो और इस खेत में फर्क देखो। इधर अच्छी रोड हो गई है और इधर देखो डिग्गल दिख रहा है, ये वो नहीं कर रहा है, नीचे चला गया दिखने का। अच्छा सक्सेसफुल ट्रैक्टर निकला ये वाला जॉन डियर का, ये वाला मॉडल 50-50D। कारण कैमरे पे पूरी धूल लग गई, अभी तो फेर के बाद चुके हैं एक, इतना खेत होगा एक एकड़, एक डेढ़ एकड़ करीब हो गया इधर से, इतना अटक ट्रैक्टर देख रहा है। ये आगे चल रहा है, इसे चार से फेरे आगे चल रहा है आज। जी हमारा भाई सारे पाइपों को उठा के इस तरफ रख रहा है जहाँ बोनी हो गई, मतलब रोटर वेटर हो गया। जी आ रहा है हमारा सोनालिका, ये बढ़िया चल रहा है। क्या शानदार है फिर, लकड़ी डली का है।
देखो ये ऐसे पोर खोल देते हैं इनके सच्चे बारी ठोक के जाने जाए। अच्छा धर रहा है लेकिन का है सही बिल्कुल फिक्स। भाई लोग अभी बच चुके हैं दोपहर के 3, अभी भी दोनों ट्रैक्टर हमारे लगे हुए हैं काम पे। मुश्किल से इसमें 4:30 तक हो जाएगा, इतना बचा है बस हमारा जॉन डीयर लगा हुआ। वो हो रही बोनी, 3 एकड़ करीब की बोनी हो चुकी है। ये है जॉन डीयर, इतनी दूर उड़ती है रोटर वेटर में, पर ड्राइवर पूरा पुर जाता है। रोटा बेटा उधर चक चल चुका है, ये बीज रखा है, ये गेहूँ है, DAP सीड ड्रिल भर गई है और ये चलती सीड ड्रिल। देखो कितना धुआं उड़ा रहा है जॉन डीयर। ये हमारा पड़ोसी का चल रहा है ऊपर वाले खेत में, महेंद्र पुराना, इतनी वो नहीं हो चुकी है इस तरफ की, ये पूरी खम्भे कितना खो गई इस तरफ, अब इतना रह गया। प्यास लगी है, पानी पी के चलते हैं अपन लोग, तब तक ये दोनों ट्रैक्टर अपने लगे हैं, पानी इधर से पी लेंगे जब भाई खड़ा है, इधर से पानी पी लेंगे, दिख रहा होगा आपको तकलीफ नहीं है। आज सुबह से आया मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, काम जारी है। ये दोनों ट्रैक्टर लगे हैं हमारे जॉन डीयर सोनालिका, इतना बस रह गया है, ये तब उग गया वाला एरिया पूरा, ये लगाए ड्राइवर लगा, ये बीज रखा है, ये पूरा बीज है, पानी खेती में एकदम से काम पड़ता है फिर नहीं पड़ता, मतलब एकदम से बहुत लोड पड़ता है फिर उतना काम नहीं पड़ता है। बोरियाँ हटा लेते हैं, सामने से बोरियाँ हटाना पड़ेगा। अभी हम लोग मेड़ के कौन चलवा रहा है बिल्कुल, इधर क्या कचरा वगैरह बहुत होता है तो इधर एक दो चार फेरे मरवाना पड़ता है, मतलब 2-3 राउंड बिल्कुल बारीक हो जाए, कितनी धूल उड़ गई, इधर आग ही लगी थी इस कारण धूल उड़ रही है। शानदार ट्रैक्टर है, तेल थोड़ा ज्यादा खाता है लेकिन काम भी राउंड अच्छा है इस ट्रैक्टर में। और एक ट्रैक्टर वो नहीं कर रहा है, ये दिख रहा है, जूम करके बताता हूँ आप, ये ऊपर वाले खेत में भी पड़ोसी ने भी इधर मसूर बो रहा है, ये हमारा खेत है पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा इसको एक गन्ना लगा, इसको भी कटवाना, अभी रोक दिया है
अभी भी दोनों ट्रैक्टर का डिस्टेंस है, एक एकड़ करीब का है। ये ट्रैक्टर इसलिए आगे हो जाता है, रोटावेटर चला रहा है, क्योंकि इसमें अपन जब इसमें बीज भरने लगते हैं ना, टाइम लग जाता है। इसमें हो जाएगा, आज दोनों को शाम तक फ्री हो जाएंगे। अभी सूरज काफ़ी ऊपर है, रात हो चुकी है, बोनी करते करते ट्रैक्टर चला रहा। बस आखिरी फेरा हुआ चार बोनी का, फिर फ्री हो गए। शाम के 7 बज चुके हैं, ये आखिरी फेरा है। 7वां आज का काम हमारा पूरा हो चुका है। ये बोरियाँ रखेंगे, उसमें देख नहीं रहा बिल्कुल भी। रात हो चुकी है, रात के 8-9 बज गए हैं। आज हमारी पूरी बोनी हो गई। बड़ा प्लाट था 10 एकड़ का, आज पूरा हो गया किसी को भाई। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। सबका नमस्कार, शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलो। बहुत बहुत धन्यवाद।